हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। आज के वीडियो में विल डिस्कस अबाउट दी सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स। एंड स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर थ्री होता है इन टीयर टू ऑफ सीजीएल। ये सिलेबस इज़ अकॉर्डिंग टू योर एसएससी सीजीएलई 2021 नोटिफिकेशन। ओके, तो कौन सी रिलेटेड पोस्ट हैं जिसके लिए आप ये एग्ज़ाम देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जेएसओ, दैट इज़ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, which comes under your Ministry of Statistics and Program Implementation. And second post जो इस बार आपके पास option है under 2021 exam, वो है Statistical Investigator Grade 2. Statistical Investigator Grade 2 का option आपके पास last year नहीं था, last year के exam में, उससे पहले वाले 19 के exam में था, but 20 वाले exam में नहीं था। Again 2021 वाले exam में आपके पास ये option दोबारा आया है। तो इन दोनों के लिए आपकी कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। आई एम श्योर अभी तक आपने देख लिया होगा व्हेन यू आर अप्लाइंग और फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट अगेन। फर्स्ट इज फॉर जेएसओ, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको हेडिंग ऑफ 8.2.1 ऑफ योर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तो आप उधर से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जेएसओ के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% इन मैथ्स एट 12th स्टैंडर्ड। तो बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, बट आपके पास 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स जो था उसमें 60% एटलीस्ट, दैट इज अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो 60 मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। इफ़ दैट डज नॉट फुलफिल, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है पर स्टैट्स आपने पढ़ा हुआ है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर जेएसओ। नेक्स्ट, कमिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इसमें आपके पास अगेन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बट यू शुड हैव स्टडीड स्टैट्स इन ऑल द थ्री ईयर्स। ऑल द थ्री ईयर्स कह लो अगर आपका एनुअल कोर्स था, और इन ऑल द सिक्स सेमेस्टर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्स। तो इसमें आपके लिए स्टैट्स होना इम्पॉर्टेंट है इन ऑल द सिक्स सेमेस्टर्स और इन ऑल द थ्री ईयर्स। आई एम श्योर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स जंप टू द सिलेबस कि इसके अंडर सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली सिलेबस में आपके 12 टॉपिक्स हैं, या फिर 12 यूनिट्स आप इनको कह सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसके अंडर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टैब्यूलेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें से आपका टैब्यूलेशन, ग्राफ, चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत बेसिक सा होता है, जो आई थिंक आपने टीयर वन के लिए अगर प्रिपेयर किया है तो डीआई के अंडर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स वहाँ पे भी पढ़े हुए होंगे, एंड ऑल्सो सेम फॉर दी टैबुलेशन। बस कुछ थ्योरी पार्ट होगा जो हम इस टॉपिक में अब इंट्रोड्यूस करेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम इसमें पढ़ते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड एंड पार्टीशन वैल्यूज विच आर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। टॉपिक टू इम्पॉर्टेंट रहता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, बट अदरवाइज दिस टॉपिक इज़ वेरी स्कोरिंग बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि शायद ये टॉपिक ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ होगा। देन कमिंग टू टॉपिक थ्री विच इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसमें हम कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, विच इज़ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हम कुछ मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन भी पढ़ेंगे। टॉपिक टू एंड थ्री कई बार क्लब होके भी क्वेश्चन आ जाता है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं व्हेन यू विल सी द कोर्स यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अगेन टॉपिक थ्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज स्कोरिंग। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर फोर विच इज़ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये कुछ मेजर्स होते हैं और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट्स एंड उनके रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस एंड हाउ टू मेजर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। फिर टॉपिक नंबर फाइव में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें स्कैटर डायग्राम विच इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योर कोरिलेशन,
देन सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सिंपल रिग्रेशन लाइंस, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर मेजर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रिग्रेशन एंड देन मल्टीपल एंड पार्शल कोरिलेशन. मल्टीपल एंड पार्शल कोरिलेशन हमें थ्री वेरिएबल केस के लिए ही पढ़ना होता है. देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 6, प्रोबेबिलिटी थ्योरी. प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपके पास 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, देन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस थ्योरम. बेस थ्योरम अगैन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी सिंस आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको इसको कवर अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 7 विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम पास्ट 3 और 4 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो टॉपिक 7 होता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का. इसमें हमें पढ़ना होता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, देन एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, हायर मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं विच आर बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस. ऑल दो सिलेबस में ये चार ही डिस्ट्रीब्यूशंस मैंशनड हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें और भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 हम उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे. देन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स. देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 8, सैम्पलिंग थ्योरी. इसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, देन सम सैम्पलिंग टेक्निक्स विच आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टैटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, परपोजिव, कन्वीनियंस एंड कोटा सैम्पलिंग. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इन सैम्पलिंग को आपके लिए जितना प्रैक्टिकल और जितना ईजी टू अंडरस्टैंड हो पाए वो टॉपिक्स मैंने उनको बनाने की कोशिश किया है. सो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. देन हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एंड देन हम सैम्पल साइज डिसीजंस को पढ़ते हैं. देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 9 विच इज़ अ बिट ट्रिकी. ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें थोड़ा स्टैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. अदरवाइज इफ़ यू गो थ्रू द लेक्चर्स सीइंग द पास्ट ईयर ट्रेंड्स ऑल्सो, सो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू इट. टॉपिक 9 इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, देन सम मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन जिसमें हम पढ़ते हैं मोमेंट्स मेथड, मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड एंड लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड. देन वी हैव टू स्टडी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, देन टेस्ट बेस्ड ऑन जेड, टी, काय एंड एफ स्टैटिस्टिक. देन हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी इसी में पढ़ते हैं. टॉपिक 10 रिलेटिवली काफ़ी छोटा टॉपिक रहता है और इम्पॉर्टेंट भी रहता है. सो 10 इज़ योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, इन शॉर्ट हम इसको अनोवा कहते हैं. इन दिस यू हैव टू स्टडी अबाउट 1-way क्लासिफाइड डेटा एंड 2-way क्लासिफाइड डेटा, दैट इज़ 1-way अनोवा एंड 2-way अनोवा. देन टॉपिक नंबर 11 इज़ योर टाइम सीरीज़ एनालिसिस, जिसमें हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ देखते हैं. देन वी सी अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड कॉम्पोनेंट बाई डिफरेंट मेथड्स एंड योर मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाई डिफरेंट मेथड्स. ये भी एक ईजी टॉपिक रहता है बिकॉज अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इनसे क्वेश्चन करेंगे सो आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे एंड अटेम्प्ट भी कर पाएंगे. देन लास्ट टॉपिक एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर इंडेक्स नंबर्स. सो इंडेक्स नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिख सकता है. देन प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड देयर डिफरेंट फॉर्मूला. अगैन न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन योर फॉर्मूला और एट टाइम्स आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है. देन बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स जिसे हम CLI कहते हैं, एंड देन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स. तो ये आपके 12 टॉपिक्स हैं
of your statistics paper. And if you are watching this video, आई एम श्योर दैट आप या तो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या फिर यू आर श्योर कि आप इस टीयर वन को क्लियर कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे. एंड दैट इज़ वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीयर टू एग्ज़ाम. एंड रेस्ट अश्योर्ड यू हैव लैंडेड ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज फॉर द लास्ट टू कंजेकटिव ईयर्स वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द टॉप रैंकर्स फ्रॉम आवर कोर्स. जो भी इनफैक्ट जो AII1 थे, ऑल इंडिया रैंक वन, वो भी हमारे ही स्टूडेंट्स रहे हैं. सो आई एम श्योर कि फॉर दिस सेशन ऑल्सो इट विल बी वन ऑफ आर ओन स्टूडेंट्स एंड वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू अबाउट दैट. फिर कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो आपके टीयर वन एंड टीयर टू एंड टीयर थ्री में आने चाहिए. आर कंसर्न इज़ टीयर टू. सो फॉर टीयर टू एंड पर्टिकुलरली फॉर स्टैट्स एग्ज़ाम, इनफैक्ट मैथ्स और इंग्लिश में भी आपको चाहिए होते हैं, बट फॉर स्टैट्स एग्ज़ाम आई विल डिस्कस हियर. इफ़ यू आर फ्रॉम UR कैटेगरी, सो एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए. एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होता है एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 100 क्वेश्चंस. ओके, एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम UR कैटेगरी. इफ़ यू आर फ्रॉम OBS और OBC, सॉरी, और EWS कैटेगरी, देन 50 मार्क्स होने चाहिए. एंड फॉर अदर कैटेगरीज यू नीड 40 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर दिस पेपर और टू क्वालिफाई दिस पेपर. क्वालिफाइंग मेयरली डज़ नॉट गारंटी कि आपको ये पोस्ट मिलेगी ही. ऑब्वियसली आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड सारे बाकी एग्जाम्स का भी स्कोर एडअप होता है, बट अगर आप JSO या फिर स्टैट्स इन्वेस्टिगेटर को के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके 60, 50 एंड 40 मार्क्स होने चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़. तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखना वाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑल्सो वाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर एग्ज़ाम. दैट इज़ ऑल फॉर दिस सिलेबस. इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन ईदर मेल अस और यू कैन रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम. कोर्स हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं. डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द कोर्स एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, सो यू कैन परचेज आर कोर्स. एंड आई एम श्योर इफ़ यू सी ऑल द फीडबैक्स ऑफ द प्रीवियस स्टूडेंट्स एंड ऑफ द लास्ट टू सेशंस, दे विल श्योरली हेल्प यू अबाउट कि आपको कहाँ से और क्या पढ़ना है एंड कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द कोर्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एंड एज ईजी टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बेसिक्स, ना कि कुछ डायरेक्ट हाई लेवल का करा के. बेसिक्स से सारे लेक्चर स्टार्ट होते हैं एंड देन हाई टू एडवांस्ड लेवल पे हम जंप करते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल्सो कितने टॉपिक, कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं उसकी वीडियो ऑल्सो विल पुट अप ऑन द चैनल. एंड वंस इट इज़ डन विल ईदर एड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट आप किस टॉपिक को कितने इंपॉर्टेंस दें वो आप डिसाइड कर पाएँ. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.